Hello everyone. Today we are going to discuss about the fourth category of evidence, which is recognized under Indian Evidence Act. And the fourth number of evidence which we are going to discuss is a hearsay evidence. What is hearsay evidence? The word hearsay is used in various senses. Sometimes it means whatever a person is heard to say. Yani ki jo shabd hai hearsay, uska bahut sare meanings ho sakte hain. Lekin zyada tar jo samaj mein baithta hai wo ye hai ki suni sunai baat. When a person is heard to say. Heard maane sunna. Sometimes it means whatever a person is heard to say. Sometimes it means whatever or person declared on information given by someone else. So it may also mean कि किसी व्यक्ति ने किसी से कुछ कहा और फिर वो कोई और आ करके उस बात को बता रहा है. The term hearsay is used with reference to what is done or written as well as what is spoken. तो hearsay केवल सुनने की बात नहीं है, इसमें कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो कि की गई है या लिखी गई है. And in its legal sense, it denotes that kind of evidence which does not derive its value solely from the guilt of the witness himself, but which rests also in part on the veracity or and competence of some other person. This is that part of evidence which is not coming directly. Rather, it is coming through a secondary source from whom the incident has been a hearsay, as he himself has not seen the incident himself. जो भी कोई घटना हुई है, क्योंकि जो बताने वाला व्यक्ति है उसने स्वयं वो घटना होती हुई नहीं देखी है, इसलिए वो जो कुछ भी बताएगा वो कहलाएगा हियरसे एविडेंस. और ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि केवल सुनी हुई बात को ही बताना हियरसे एविडेंस नहीं होता है. कोई भी ऐसा कार्य जो किया गया हो या कोई भी ऐसा लिखित एक्ट जो हुआ हो उसके बारे में अगर किसी ने सुना है और फिर वो बता रहा है तो भी वो हियरसे एविडेंस की कैटेगरी में ही फॉल करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए ए ने फाइल करी है कंप्लेंट अगेंस्ट बी और ये एलेज किया है कि बी अटैक्ड हिम विथ लाठी, कि बी ने उस पर लाठी से अटैक किया. अब सी जो तीसरा व्यक्ति वो प्रोड्यूस किया गया है एज अ विटनेस. सी सेज दैट ही डिड नॉट सी द अकरेंस हिमसेल्फ बट समबडी टोल्ड हिम. तो सी आकर के क्या कह रहा है कि हमने नहीं खुद अपने आँखों से नहीं देखा है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मुझे किसी और ने बताया कि ऐसी घटना घटी. द क्रेडिट ऑफ सीइंग द अकरेंस इन दिस केस डज नॉट गो टू द विटनेस बट इट गोज़ टू समबडी एल्स. तो अगर आप गौर से देखेंगे तो सी ने देखा ही नहीं, सी हैज़ नॉट सीन, राइट. सो द क्रेडिट ऑफ सीइंग, देखने का जो क्या कहना चाहिए, जिम्मेदारी, इट गोज़ टू समबडी एल्स एंड नॉट टू द पर्सन सी. इट इज़ अ हियरसे एविडेंस. इसीलिए सी के द्वारा दिया गया जो एविडेंस है उसको हम हियरसे एविडेंस की कैटेगरी में मानेंगे. अब बात ये उठती है कि वैल्यू क्या होती है हियरसे एविडेंस की. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हियरसे एविडेंस? सो समटाइम्स हियरसे एविडेंस इज ट्रीटेड एज नियरली सिनोनिमस विथ इररिलेवेंट. तो कभी कभी तो ये हियरसे एविडेंस बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता इसका. द रीज़न बीइंग द टेंडेंसी ऑफ प्रोटेक्टिंग लीगल इन्वेस्टिगेशन टू एन एम्बेरसिंग एंड डेंजरस लेंथ. तो हियरसे, देखो सुनी सुनाई बातों पे अगर विश्वास करते ही जाओ तो
नहीं पता है कि लीगल इन्वेस्टिगेशन कितनी प्रोलॉन्ग हो जाएगी और जो पूरा केस है वो डेंजरसली एलोंगेटेड हो जाएगा, बहुत लेंथ हो जाएगी उस पूरे केस की। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि इररिलेवेंट माने जाते हैं हियरसे एविडेंस। फर्दर इट्स इंट्रिंसिक वीकनेस, इट्स इनकॉम्पिटेंसी टू सेटिस्फाई द अमाउंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट। और जब सुनी सुनाई या हियरसे एविडेंस की बात होती है तो इसमें प्रमाणित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आएगा वो अपना कुछ और सुना होगा, उसने कुछ और बोला, तो अब उस एक तो पहले ही वो इन द एयर टाइप की बात होती है और उसके बाद फिर उसको कॉन्क्रीट फैक्ट में निहित करना, दिस इज़ वेरी टफ। देयरफॉर इट्स इनकॉम्पिटेंसी टू सेटिस्फाई द अमाउंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट एंड द फ्रॉड्स विच मे बी प्रैक्टिस्ड विथ इम्यूनिटी अंडर इट्स कवर सपोर्ट द रूल दैट हियरसे एविडेंस इज इनएडमिसिबल। तो ये सारे कारण होते हैं कि हम जो कोर्ट है वो कहता है कि हियरसे एविडेंस इनएडमिसिबल है, इसको हम नहीं मान्य करते। अब हम एक केस देखते हैं, द केस ऑफ जुगल किशोर वर्सेस नारायण चंद्र 1982। अ पर्सन अपीयर टू गिव एविडेंस ऑफ अ बेनामी ट्रांजैक्शन बिटवीन द प्लेंटिव एंड द डिफेंडेंट। तो प्लेंटिव और डिफेंडेंट के बीच में जो बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ उसके बारे में वो एविडेंस देने के लिए अपीयर हुआ, ऑफ विच ही हैड हर्ड फ्रॉम अदर्स। और ये बेनामी ट्रांजैक्शन जो इन दोनों के बीच में हुआ था ये उसने खुद नहीं देखा, he was not a direct witness to that, he heard about it from somebody else, so he was a hearsay evidence. The court did not entertain the evidence as it was not a direct one. The court ne seedha seedha us evidence ko inadmissible karar diya and rejected, did not entertain that evidence. So I hope you have understood what is the meaning of hearsay evidence. In the next video, we are going to discuss about the primary evidence. So, bye-bye for now. Keep learning. God bless you all.